अजमेर के महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की शुरुआत इस वर्ष की गई है और इसी वर्ष NSS यूनिट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। उस ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पधारी हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ विषय प्रिंसिपल महोदया द्वारा मुझे ध्यान में लाए गए हैं, उनका समाधान आने वाले वर्षों में किया जाएगा ऐसा मैंने आपको आश्वासन दिया है। किस तरह की मांग कर रही है? मांग तो बच्चियों के फीस स्ट्रक्चर को लेकर के है, कॉलेज के बजट के डिमांड को लेकर के है, हॉस्टल्स की व्यवस्थाओं को लेकर के, कुछ अनियमितताओं को लेकर के कई विषय हैं जिनके बारे में आपने ध्यान आकर्षित किया, वो व्यवस्थित हों। आप भी प्रयास कर रही हैं कि वो व्यवस्थित होने चाहिए, उसमें आपको सहयोग की अपेक्षा है तो जितना सहयोग आपने मांगा है मैंने आश्वस्त किया है कि उतना सहयोग आपको मिलेगा। आज ब्लड डोनेशन कैंप में करीब 50 यूनिट ब्लड JLN हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से NSS यूनिट देने के लिए व्यवस्थाएं की गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बालिकाएं इसमें बढ़ चढ़ के जोश और उत्साह के साथ हिस्सा ले रही हैं और ब्लड डोनेशन के लिए प्रयासरत हैं और हमने हमारे फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स भी ब्लड डोनेशन के लिए उत्सुक हैं और वो भी डोनेट कर रहे हैं। अजमेर के महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की शुरुआत इस वर्ष की गई है और इसी वर्ष NSS यूनिट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। उस ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पधारी हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ विषय प्रिंसिपल महोदया द्वारा मुझे ध्यान में लाए गए हैं, उनका समाधान आने वाले वर्षों में किया जाएगा ऐसा मैंने आपको आश्वासन दिया है। किस तरह की मांग कर रही है? मांग तो बच्चियों के फीस स्ट्रक्चर को लेकर के है, कॉलेज के बजट के डिमांड को लेकर के है, हॉस्टल्स की व्यवस्थाओं को लेकर के, कुछ अनियमितताओं को लेकर के कई विषय हैं जिनके बारे में आपने ध्यान आकर्षित किया है, वो व्यवस्थित हों। आप भी प्रयास कर रही हैं कि वो व्यवस्थित होने चाहिए, उसमें आपको सहयोग की अपेक्षा है तो जितना सहयोग आपने मांगा है मैंने आश्वस्त किया है कि उतना सहयोग आपको मिलेगा।